भी लगा दिया है गीक का, मतलब कि ताकि ज़्यादा नेचुरल टाइप में दिखे, और देख सकते हैं पत्ता लगा दिया, मुझे लगा दिया चैनल। तो आप सब कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो भाई आ गए एक और नए वीडियो के साथ में। तो अभी चल रहा है काम, तो हमारा जो बैकग्राउंड पीछे देख रहे हो ये मेहंदी का बैकग्राउंड बन रहा है और अजीत भाई काम कर रहे हैं। तो हमने इसको कैसे सेटअप किया हूँ तो देख सकते हो। सपोर्ट के लिए मैंने ट्रस इधर उधर बांध दिया हूँ और उसमें एक तो बांस बांध दिया हूँ, देख सकते हो बांस बंधा हुआ है और बांस में ही ग्रीन मैट लगा दे रहा हूँ। बाकी अगर पीछे का बात करो तो पीछे जो गिलास दिख रहा है उसमें मतलब कपड़ा दे देंगे ताकि अच्छा दिखे। तो अभी हमारा काम चल रहा है, देख सकते हो। तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पे नए तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो प्रेस, ताकि ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और आप लोग के लिए। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा कंटिन्यू वीडियो। कैची दे तो दो, कैची दो तो पीछे का है, पीछे बात कर लिए तुम, मैंने बात एकदम फटे से फोन लगा कर दिए ना, क्यों क्यों नहीं बन रहा वो लान हार गया। तो देख सकते हो अजीत भाई इसको मतलब ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये मतलब एक सीट आता है और इसको सीट को जोड़ना पड़ता है तभी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब साइज आता है एक बाई डेढ़ का आता है, ठीक है। हाइट डेढ़ फीट आता है, चौड़ाई एक फीट आता है, देख सकते हो। और इसको इस तरीके से तार से तो पहले आपको आर पार दिख रहा था, पीछे का दीवार दिख रहा है, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ बैठाया है। क्या जुगाड़ बैठा है आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो ये मैंने एक कपड़ा लगाया हूँ और एक कपड़ा ये लगाया हूँ ताकि मतलब पीछे का दीवार नहीं दिखे, उसी की वजह से पूरा आपको ग्रीन दिख रहा है। उससे पहले मतलब वीडियो में आपको दिखेगा कि पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, अभी का देखोगे पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, पूरा एकदम ग्रीन दिख रहा है, देख सकते हो। क्योंकि ये जो आता है इसके अंदर जाली जाली होता है, पीछे का साइड का दिखता है। तो इसके लिए मैंने दो ठो कपड़ा लगा दिया, पहले चादर लगा दिया, उसके बाद मेरे पास जो ब्लैक कलर का बैंगनी कलर का कपड़ा था वो भी लगा दिया हूँ ताकि पीछे का कुछ दिखे नहीं और अच्छा दिखे। अभी देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है, पूरा ग्रीन एकदम दिख रहा है। और अजीत भाई अभी फिनिशिंग कर रहे हैं और बीच बीच का है उसको भी ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो देख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर छतरी लगाएंगे, इसको अगर हम पीछे कपड़ा नहीं लगाएंगे तो पूरा जाली जाली दिखेगा और आर्थ से पार दिखेगा और उतना क्लियर नहीं आएगा। और जब फ़ोटो उठाया जाएगा या फ़ोटो शूट होगा तो पूरा भद्दा दिखेगा, पूरा बेकार दिखेगा। तो उसके लिए हमने कपड़ा पीछे इसीलिए लगा दिया हूँ। बाकी कहीं कहीं पे क्या होता है, दीवार अगर अलग कलर का ग्रीन या कैसा भी कलर का दीवार है तो उसमें अगर इसको सटा के लगाओगे तो पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, आपको चादर कुछ नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने पीछे चादर लगा दिया। बाकी अगर बात करें जो ग्रास लगाते हैं इसको धनिया मैट बोलते हैं। बाकी एक और आता है ग्रास, आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास अभी पड़ा है
तो हम इसको भी यूज करते हैं, लेकिन इसको हम बिछाने के लिए यूज करेंगे, इस पर बिछाने के लिए यूज करेंगे। और नहीं तो मतलब मेरा मतलब क्या होता है, कोई कोई यही इसी को ही पीछे बैकग्राउंड में लगा देता है, तो इसको भी लगा सकते हो और इसको भी लगा सकते हो। इसको लगाने से क्या होता है ना, ऐसा लुक आएगा, और इसको लगाओगे तो पूरा प्लेन दीवाल दीवाल टाइप का दिखेगा। तो इसके लिए हम ये वाला नहीं यूज करते हैं, ये वाला हम बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। इसको खाली बिछाने के लिए, नीचे में टेबल पे बिछाने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम पीछे बैकग्राउंड में लगाने के लिए यूज करते हैं, ताकि आप सामने देख सकते हो बिल्कुल से अच्छा दिखता है। तो ठीक है, और आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे मैंने पूरा सेटअप किया। तो वीडियो बने रहिए कंटिन्यू, और आप देखते रहिए और सीखते रहिए। छतरी देख सकते हो, तो छतरी ये ऊपर में लगा देंगे ताकि थोड़ा बहुत अच्छा दिखे। तो मेहंदी फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन शाम को है, इसी में थोड़ा मतलब सेटअप कर देंगे, हल्दी का बैकग्राउंड मतलब हल्दी लिख देंगे गेंदा माला से, और आपको शाम को देखने को मिलेगा। बाकी जो मेहंदी फंक्शन है, तो हमने सोचा ये छतरी भी लगा देते हैं, तो अभी इस पर छतरी लगाएंगे अजीत भाई और आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक 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 है। और क्या, नीचे को थोड़ा लचा के झुला देते सही रहता। हाँ बस लगा देते, गैप गैप में लगाओ, गैप गैप में और थोड़ा गैप। तो देख सकते हो ये लगा दिया हूँ मैंने, लालटेन लगा दिया हूँ, और अजीत भाई उधर एक तो लगा दे रहे हैं, बाकी और इसमें आइटम लगाएंगे, और ये छतरी भी लगा दिया हूँ, बाकी इसमें और रिंग टाइप का छोटा छोटा लगाएंगे, ताकि थोड़ा भरा भरा दिखे और अच्छा दिखे। तो देख सकते अजीत भाई अभी ये लगा देंगे रिंग, हैंगिंग रिंग, देख सकते हो ये छोटा छोटा रिंग, ये मतलब मेहंदी बैकग्राउंड में लगाने से थोड़ा अच्छा दिखता है और अच्छा थोड़ा लुक आएगा। तो इसके लिए मैंने कहा अजीत भाई से, अजीत भाई इसके ऊपर लगाओ, घंटी के ऊपर ए लालटेन के ऊपर, हाँ हाँ इसके बीच में, हाँ छतरी के बीच में, हाँ 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 और ऊपर कुर्सी रख लो ना, कुर्सी लगा दो, देख सकते हो। हेलो, हल्दी मेहंदी का बैकग्राउंड कंप्लीट, और अजीत भाई बिछा देते हैं ये ग्रीन मैट, और आपको कंप्लीट कैसा दिखेगा दिखाएंगे। तो ये जो हमारा जो ग्रीन मैट है, ये 10 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है, तो ये पट्टा भी जो है ये भी 8 फीट का है और चौड़ा 4 फीट का है। तो बाकी 2 फीट उधर जो बचेगा एक्स्ट्रा रख देंगे, उस तरह भाई एक्स्ट्रा वाला रोल रख देंगे, उधर एक्स्ट्रा वाला उधर रोल आ जाएगा। तो देख सकते हो एक्स्ट्रा वाला रोल मेरा नीचे एक्स्ट्रा, उधर एक्स्ट्रा देख सकते हो। ये वाले ग्रीन मैट, उसमें ग्रीन मैट में बहुत फर्क है ना, मतलब ये वाला नहीं 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 ये क्या कर रहे हो, खराब दिखेगा। ठीक 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 जो हम लोग लगाए वो ज़्यादा मतलब अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो देख सकते ऐसे भी छोड़ने से चलेगा, बैकग्राउंड हो गया कंप्लीट, और नीचे में ग्रीन मैट भी बिछा दिया हूँ, ताकि मतलब बैठने के लिए सुविधा रहे और अच्छा दिखे। और ये मेरा रहा मेहंदी का बैकग्राउंड, देख सकते हो कैसा दिख रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ऐसा देख के और जो भाई करना चाहेगा वो तो सीख के कर सकते हैं, और आप भी अपना घर में ऐसा मेहंदी का बैकग्राउंड चाहोगे तो बना सकते हो। तो देख सकते हो, तो वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।